क्रिकेटर से गुपचुप शादी कर रातों रात फिल्मों से गायब हो गई थी ये हीरोइन, अब चला रही अरबों की कंपनी। क्या आपको अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक याद है? उस फिल्म में अक्षय एक फौजी बने थे और उनके साथ अश्विनी भावे, रोनित रॉय और अनुपम खेर जैसे स्टार थे। हर किरदार ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन उसी फिल्म में एक हीरोइन थी जिसने अक्षय की बहन का किरदार निभाया था। ये हीरोइन थी फरहीन। फरहीन का फिल्म में वैसे तो साइड रोल था, लेकिन वो रोल जबरदस्त था। लोगों को न सिर्फ उनकी एक्टिंग पसंद आई बल्कि माधुरी दीक्षित से मिलता जुलता चेहरा होने के कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त हो गई। फरहीन ने 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सैनिक, नजर के सामने, फौज, दिल की बाजी और आग का तूफान जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया। फरहीन हिंदी फिल्मों में काफी अच्छा काम कर रही थी। उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा था और शायद इसी के चलते उन्हें साउथ से भी खूब ऑफर आए। साउथ में भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन न जाने क्या हुआ कि अचानक ही फरहीन ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी को भी फरहीन का यूं जाना पचा नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही थी। फिल्म ऑफर्स की भी उनके पास कोई कमी नहीं थी, बावजूद इसके फरहीन फिल्मों को छोड़ अचानक ही गायब हो गई। क्या आप जानते हैं कि फरहीन आजकल कहां है और क्या कर रही है? फिल्में छोड़ने के बाद फरहीन ने पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी कर ली। शादी से पहले दोनों का 4 साल तक अफेयर रहा। कहा तो ये भी जाता है कि फरहीन ने मनोज प्रभाकर से गुपचुप तरीके से निकाह किया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता।